एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप रिएक्शन। तो गाइस, सबसे पहले तो हैप्पी वीकेंड, क्योंकि आज है संडे तो सबका हॉलीडे होगा और सब लोग होंगे कि चलो आज कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं या कुछ करते हैं। तो गाइस, आज मैं रिएक्शन देने वाली हूँ जिस सॉन्ग पर, वो है अमित भड़ाना का सॉन्ग। वेल, आप सब लोगों को पता होगा कि मैं पहले भी अमित भड़ाना की जो एक एक्ट आया था उसके ऊपर रिएक्शन दे चुकी हूँ, लेकिन वो एक कॉमेडी एक्ट था। और अब मैं जो करने वाली हूँ वो एक सॉन्ग पे करने वाली हूँ जिसका टाइटल है फादर साहब। तो नाम से पता चल रहा है कि फादर के ऊपर ही होगा। तो वेल, और इसमें जो इनके साथ हैं वो हैं किंग, और जो म्यूज़िक दिया है वो है सेक्शन 8 ने। तो गाइज, हालांकि इनके डिस्क्रिप्शन में ना ये लिखा हुआ है कि फादर साहब इज़ द थर्ड सॉन्ग ऑफ अमित भड़ाना, लेकिन मैं पहली बार जो है इनके सॉन्ग पे रिएक्शन देने वाली हूँ, या यूँ कह लो इनका सॉन्ग देखने वाली हूँ। तो ठीक है गाइज, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और ये सॉन्ग स्टार्ट करते हैं। अमित बेटा, चल उठ जा। अरे कितने महीनों का सोया हुआ है अमित, चलना नहीं है क्या? अबे मैं हूं, पहचाना नहीं? तेरा बाप, बापू। जी, ये है फादर। रे बापू, तूने सिखाया जो कभी भूला नहीं, गलती ना हो तो सूरज की आंखों में ताड़ ले। जहां को पड़े वो कदम रुके नहीं, सोच ऐसी हो चट्टानों का भी सीना फाड़ दे। लोगों से तेरे साथी होता है वो सच का खड़ा भी, एक अनेक में बेटा काफी होता है। और जो हक के लिए लड़े सबसे वो पाप ही होता है। पीठ पे चढ़ के दुनिया दिखे जिसके वो पाप ही होता है। और जो डांटे चाहे कभी नहीं मार रखी, वो रोज मुझ में तेरी छवि देखा करती। बापू परछाइयां शेरों की कहां मरती, एक वजह होती है जो जीने की बापू, वो माँ की आंखों में दिखा करती। तू नहीं दुनिया में पर तेरी बात रहे, रामपाल फौज के पोतों की पूरी ठाट रहे। और रख के हाथ जो सर पे मिटा सारे पाप ही होता है, सही और गलत में फर्क बतावे ऐसा पाप ही होता है। और जो डांटे चाहे मारे पर दिल का साफ होता है, ज्यादा फिक्र न करे जमाने की वो पाप ही होता है। तो वो अपने फादर के बारे में सोचते हुए ये पूरा सॉन्ग है, फादर नहीं है। रे बापू, आंख मिले आसमान से जब जब चेहरा तेरा दिखता है। मैं रोज लड़ू तूफान से बंदा ठहरा कहाँ खिंचता है। मैं रोज पूछू भगवान से क्यों तू साथ नहीं दिखता है। तू तरस ही खा के जगह बता दे ख्वाब जहाँ बिकता है। क्यों ना वहीं से ही जाके मैं खरीद लूं, मुझे मांगे से प्यार मिलता नहीं, पर तेरा ही दिया हुआ सब रखा भोले, बस मुझे पाप दिखता नहीं। आज तेरे बिना भी मैं तेरी ही नजरों से दुनिया देखता हूँ। मैं आज भी तेरे ना होने का दुख
एक हंसते हुए चेहरे से लपेटता हूँ। मतलब बहुत बुरा होता है। बापू तेरी दुआएं कुछ इस तरह मेरे साथ हैं। आज धरती पे खड़ा होके मैं पूरे का पूरा आसमान समेटता हूँ। तो गाइस कैसी लगी आप सब लोगों को ये वीडियो? मुझे ये सॉन्ग बहुत ज्यादा अच्छा लगा है। मुझे सच में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि अमित बढ़ाना इतना जबरदस्त सॉन्ग भी मतलब कर सकते हैं। मतलब फादर साहब के ऊपर था, पर मुझे ये लगा था कि चलो हाँ फादर के ऊपर है, कि डेडिकेटेड है फादर के ऊपर। बट उन्होंने इसमें जो दिखाया है कि मतलब वो नहीं हैं और उनको कैसे मतलब हम मिस करते हैं जब किसी को, यू नो, हम मैं या फिर जिनके सबके पास पेरेंट्स हैं, हम लोग ना कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग सिर्फ सोच सकते हैं कि हाँ इसके फादर नहीं हैं या इसकी मदर नहीं है, इसको बुरा लगता होगा। बट लिटरली अगर आप एक पल के लिए अपने बारे में ऐसा सोचोगे भी ना, तो रूह कांप जाती है एकदम कि क्या होगा जब हमारे पेरेंट्स अगर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो कैसा लगेगा, हम लोग कैसा फील करेंगे कि यार पेरेंट्स के बिना क्या होता है। तो बस यही इन्होंने पूरे अपने सॉन्ग में दिखाया है। और मुझे सच में पता नहीं है कि इन्होंने ये सिर्फ सॉन्ग में दिखाया है कि फादर जैसे अगर नहीं होते हैं तो कैसा फील होता है, या एक्चुअल में, मतलब मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए मेरे को, क्योंकि पता नहीं है कि क्या सच में अमित बढ़ाना के फादर नहीं है और अपने पे वो फील करके ये सॉन्ग बनाया है, या ये जस्ट सॉन्ग है। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स पे कि क्या है, सच क्या है। और मैं सही बताऊँ, मुझे ये सॉन्ग इतना अच्छा लगा ना कि अभी इनके जो पहले के भी और भी दो सॉन्ग हैं, मैंने आपको बताया था कि मैंने डिस्क्रिप्शन में देखा है कि दो सॉन्ग्स और भी हैं, मैंने देखे नहीं है बट अभी, बट मैं जाके देखूंगी कि वो किसके ऊपर है या वो कैसे हैं। इस सॉन्ग के अंदर तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत इमोशनल था। मैं सच में बताऊँ मुझे रोना आ गया था और मैंने कंट्रोल किया। मुझे बहुत अच्छा ये सॉन्ग लगा। जैसे मतलब इसमें वो पूरा अपने फादर के बारे में बता रहे हैं, उनकी जर्नी बता रहे हैं पीछे की, कि जब उनके साथ जाते थे तब क्या होता था, अगर कहीं लड़ाई हो जाती तो वो मेरे पीछे से, मेरे बैक बोन होते थे एक तरह से। और वो जैसे वो शीशे में वो तैयार हो रहे थे तो उनकी मदर पीछे से देख रही थी, तो उनकी मदर को भी अपने बेटे में अपने हस्बैंड की परछाई नज़र आ रही थी हर चीज़ के अंदर। और जैसे आखिरी में भी दिखाया कि वो जैसे अस्थियाँ बहाने के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में थी, तो वो कितने ज़्यादा जैसे सेंटी हो गए थे उसको देख करके, जैसे रोने लग जाते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा था, मुझे नहीं पता था इतना इमोशनल सॉन्ग होने वाला है ये। वेल, मुझे ये सॉन्ग काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्या, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो गाइज आप सब लोग बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और गाइज प्लीज़ अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, क्योंकि आपको तभी पता चलेगा कि मैं और कौन कौन सी वीडियोस लेकर आ रही हूँ। और अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं अमित बढ़ाना के जितने भी फैंस हैं कि मैं अमित बढ़ाना की और वीडियोज़ पर कैसे रिएक्ट देती हूँ, करती हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं डेफिनेटली आगे भी अमित बढ़ाना की हर वीडियो पे रिएक्शन देने वाली हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है ये सॉन्ग। और जो पहले मैंने एक्ट भी किया था, अभी तक मैंने सिर्फ दो ही किए हैं, बट मैं डेफिनेटली करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा है। तो गाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए जो मेरी यूज़र आईडी है वो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो गाइज़ अब चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।